वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को आंकिक प्रतिशत लाभ पर आधारित कुछ प्रश्न हल करवाऊंगा। तो देखिए प्रश्न है, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के आंकिक प्रतिशत लाभ पर 24 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, देखिए इसमें करना क्या होता है। देखिए जैसे 24 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 24 के देखिए दो ऐसे गुणनखंड करने हैं हमको कि जिनका अंतर 10 हो, यानी कि इस हिसाब से 24 को तोड़ना है कि जिसका अंतर 10 हो। तो यानी कि यहाँ पर देखिए 12 दुन्ना 24 हो जाएगा, यानी कि इसका देखिए अंतर अगर निकाला जाए दोनों का तो देखिए 12 में से 2 जाएगा, यानी कि इनका अंतर कितना हो जाएगा 10 का। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए जो संख्या छोटी हो, देखिए जो दो गुणनखंड करेंगे यहाँ पर जिनका अंतर 10 हो तो इसमें जो छोटा वाला गुणनखंड होगा उसके आगे हमको जो है 0 बढ़ा देना है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर आएगा 20, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा पूछा गया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के आंकिक प्रतिशत लाभ पर 24 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे 24 दिया हुआ है तो यहाँ पर संख्याएं बदल सकती हैं, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा। यहाँ पर संख्याएं देखिए क्या क्या हो सकती हैं और जो हो सकती है उनको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेकर के आप लोगों को बताते हैं। जैसे यहाँ पर 24 है तो 24 को इस तरीके से तोड़े हैं, वैसे ही अगर और कोई संख्या आ जाए जैसे आ जाए 11 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 11 को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 11 एकम 11, देखिए यानी कि इसको इस रूप में तोड़ेंगे 11 और 1 के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इनका दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 10 अंतर हो जाएगा इनका। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 0 बढ़ा दिया जाए यानी कि 10 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो ले लिया जाए 39, देखिए आंकिक प्रतिशत लाभ पर 39 रुपये में बेचता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो यहाँ पर देखिए 39 को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 13 तिया 39 में अगर इसको तोड़ेंगे तो देखिए 13 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा देखिए 10, और 10 हमारा अंतर आना चाहिए तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 23। फिर आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो हो 75, तो 75 को देखिए कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 15 पचे 75, देखिए 15 पचे 75, यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर 10 है, यानी कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आगे बढ़ा देंगे छोटी संख्या के सामने तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 50। उसके बाद और कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 200 ले लिए, अब 200 को देखिए कैसे तोड़ेंगे, तो 20 दहम्मा 200 होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है 10 है, यहाँ पर छोटी संख्या ये है, इसके आगे 0 बढ़ा देंगे यानी कि 100 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं 144, अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए 18 अठे 144 होता है, यहाँ पर अगर 18 में से 8 को घटाया जाएगा तो देखिए 10 जो है इसका अंतर आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए इसके आगे 0 यानी छोटी संख्या के आगे 0 बढ़ा देंगे 80 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर और कुछ उदाहरण देखते हैं, मान लीजिए 119 ले लिया जाए, तो 119 को देखिए कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 17 सते 119 होता है, 17 सते 119 होता है, और यहाँ पर देखिए 17 में से अगर 7 को घटाया जाएगा तो 10 आ जाएगा अंतर, यानी कि हमारा 70 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर और देखिए मान लीजिए 96 को तोड़ना हो तो यहाँ पर देखिए कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर 16 छंक 96, देखिए 16 छंक 96 इन दोनों का अंतर कितना है 10 है, यानी कि हमारा कितना आंसर हो जाएगा, इसके आगे 0 छोटी संख्या के आगे 0 बढ़ा देंगे हमारा 60 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 171 दिया हो तो 19 नौ 171 होता है, और इन दोनों का अंतर देखिए कितना है 10 है, यानी कि हमारा 90 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से
हम बहुत ही आसानी से इस तरीके के सवाल लगा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन को देख करके डरने की जरूरत नहीं। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के आंकिक प्रतिशत लाभ पर 24 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन जैसे आते हैं तो हम देख करके ही डर जाते हैं कि अरे इसमें ये क्या पूछ लिया गया। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है और ये ट्रिक आप सीख लीजिए, और इस ट्रिक से अब बड़ी आसानी से सभी सवालों को लगाया जा सकता है आंकिक प्रतिशत वाले। और अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता है तो ये सवाल लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर लग भी जाएंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। मान लीजिए हम आपको इसका जो है थोड़ा जो लॉन्ग मेथड है वो भी बता दे रहे हैं कि इसको कैसे लगाना है, हालांकि परीक्षा में उस प्रकार से लगाने से जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और अन्य सवाल भी हमारे छूट जाएंगे, लेकिन तब भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कैसे लगेगा लॉन्ग मेथड। देखिए, मान लीजिए माना माना क्रय मूल्य एक्स है और लाभ लाभ कहा गया है। देखिए, लाभ आंकिक कहा गया है, तो आंकिक का मतलब देखिए एक्स का, यानी कि जैसे क्रय मूल्य एक्स है तो एक्स का एक्स प्रतिशत, तो यहाँ पर एक्स का एक्स प्रतिशत यानी कि एक्स अपान 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लाभ हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ एक्स का एक्स से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य हमारा एक्स है और आंकिक लाभ क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स प्रतिशत, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए हमको निकालना क्या है, देखिए आंकिक लाभ पर 24 रुपये मिलता है, यानी कि आंकिक लाभ पर देखिए क्रय मूल्य एक्स है और आंकिक लाभ कितना, यहाँ से देखिए निकल रहा हमारा एक्स स्क्वायर बटे 100 और जो है दोनों को मिला करके 24 रुपये में, यानी कि लाभ इतना मिलता है और जो है क्रय मूल्य इतना है, दोनों को मिला करके वो 24 रुपये में बेचता है। तो यानी कि ये हमारा एक बन गया समीकरण, और समीकरण देखिए इसको यहाँ पर देखिए हो जाएगा 100x और प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर ये बटे वाला 100 जो है उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2400। देखिए अब ये एक समीकरण बन गया और इसके गुणनखंड करके एक्स का मान निकाला जा सकता है। देखिए अब इसके आगे आप लोग खुद हल कर लेना। देखिए इस प्रकार से सवाल बहुत कठिन हो जाता है और हमारा टाइम वेस्ट करता है, इसीलिए हम इसको जो है लॉन्ग मेथड से नहीं करते हैं और शॉर्ट मेथड से ही करते हैं। शॉर्ट मेथड ऊपर बताया गया, देखिए उसकी सहायता से हम बहुत ही आसानी से और केवल 10 या 20 सेकंड में सवाल को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।